अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। तो आप मेरा जो व्लॉग है फुल देखा करें, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, एक बटन प्रेस करना होता है प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। ये मैंने तकरीबन 2 चिकन्स ली हैं, 1.5 1.5 किलो वाली। तो उस हिसाब से अब हमने बड़े बड़े पीसेस करवा लेंगे। अब इनको हम कट लगा लेंगे कि हमारा जो मसाला है उसके अंदर तक चला जाए। इसके हमने फ्रंट पे भी लगा लिए हैं कट और बैक पे भी लगा लिए हैं। तो मैंने सब चिकन्स के हिस्से को सबके जो हैं कट्स लगा लिए। तो अब हम इनको करते हैं फ्राई। मसाले के जो चिकन है ना इसको अभी हम फ्राई करेंगे। फ्राई बिल्कुल पूरा नहीं करना हमने इसको, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसके कलर जो है ना चेंज करना है ताकि जो स्टीम हमारा है रोस्ट वो अच्छा हो जाए। कलर चेंज कर। उसकी शेप जो है ना बरकरार रहेगी। इसी तरह थोड़ा इसको हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, फिर कलर चेंज करना। आधा किलो दही लिया और उसमें जो घर के मसाले ना सब वो ऐड कर दूंगी। अब मसाला हम इसके अंदर ऐसे भर देंगे और इसको हम घंटे के लिए तकरीबन 60 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे ताकि मसाला हमारे ऊपर इसके ऊपर लगा रहे। और फिर उसके बाद इसको हम करेंगे स्टीम। बारी बारी सबको ऐसे लगा देंगे। मसाला जो है ना इन कट्स के अंदर अंदर तक फिल करें ताकि टेस्ट अंदर तक आए और जूसी बने और मज़ेदार हो, ताकि बंदा याद करे कि दोबारा भी मैंने खाए किसी के हाथ के, कितनी मेहनत की है मैंने। मज़े की चीज़ों पे बहुत मेहनत लगती है। ये हमारे जी कंप्लीट हो गए हैं मसाला, और हमने जो इसका मसाला बनाया है पूरा ही कंप्लीट हो गया। सब पे अच्छी तरह मैंने फिल कर दिया है, अंदर अंदर तक लगा दिया ताकि जी हमारा इसका जो टेस्ट है ना बहुत मज़े का यम्मी आए। अब इसको हम रखेंगे 60 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। उतनी देर में मैं बनाऊंगी। बना किधर है? फ्रूट चाट बनाऊंगी ना। हाँ, जितनी देर हमारा मसाला मैरिनेट होगा, ये चिकन मैरिनेट होगा 60 मिनट्स के लिए यानी 1 घंटा, तो उतनी देर में फ्रूट चाट बना लूंगी। और आज संडे स्पेशल हो जाए संडे जरा। इसमें हमने पानी डाल दिया है और साबुत गरम मसाला है, अदरक के पीसेस हैं ये, और ये लहसुन अदरक छोटी इलायची, ताकि पानी में से ना स्मेल नहीं आएगी, कच्चा पानी की स्मेल नहीं आएगी, तो हमारा जो चिकन है ना अच्छी तरह हो जाएगा खुशबूदार। बारी बारी सारे पीसेस रख दिए। मेरे पास फुल छानना नहीं था इसको स्टीम रखने के लिए, तो मैंने हाफ़ यूज़ किए हैं, हाफ 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 नीचे सेट किया, हाफ ऊपर सेट किया, और जो मसाला बच गया उसको ऊपर लगा रही हूँ। और इसको हम तकरीबन 30 से 45 मिनट्स जो है ना इसको दम पर लगा देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। स्टीम रोस्ट मेरा रेडी है और उसकी जो फाइनल लुक है बहुत ही अच्छी आई है, और हम सब ने खाया है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना, यम्मी।